ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, यह सच है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए, लेकिन वोट शेयर के मामले में कांग्रेस से भाजपा से ज़्यादा दूर नहीं है। दरअसल इस अंतर को मिटाया जा सकता है। ये आंकड़े वापस आने के लिए आशा और उम्मीद जगाते हैं, लेकिन हम निराश नहीं हैं। हमारी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जल्दी शुरू हो जाएंगी। हमारा दृढ़ संकल्प, हम लड़ेंगे। चुनाव के नतीजे जरूर निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी निराश है। नतीजे निराशाजनक हैं जरूर, उसमें दो राय नहीं हो सकती। तेलंगाना के जीत के बावजूद निराशाजनक है राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। उसका विश्लेषण हो रहा है, उस पर बातचीत हो रही है, पर हम लोग निराश नहीं हैं। हमारा संकल्प दृढ़ है और हम लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। 6 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन के नेताओं से। 6 तारीख शाम को ये इनफॉर्मल मीटिंग होगा, ये फॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये अनौपचारिक तौर से मीटिंग है। औपचारिक तरीके से ये मीटिंग नहीं है, पर अनौपचारिक समूह है और ये मीटिंग होगा 6 तारीख शाम को। तो हम कदम ले रहे हैं, जो नतीजे हैं निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। हमारा संकल्प दृढ़ है, हमारी तेलंगाना की सरकार बनने वाली है, जल्द ही शपथ ग्रहण का समारोह होगा। 3 राज्यों में हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, एक जिम्मेदार और उत्तरदायी विपक्ष के रूप में विश्लेषण करेंगे क्यों ये नतीजे जो आए, क्यों ऐसे आए इन 3 राज्यों में। पर करते करते हम सिर्फ पीछे नहीं देखेंगे, हम आगे भी देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।